दोस्तों नमस्कार, आज हम समझेंगे कि ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। देखिए, ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, इस प्रकार से ये होनिंग तक के बहुत सारे ऑपरेशन हैं। कुछ ऑपरेशन तो आप जानते हैं, लेकिन जैसे ट्रिपनिंग हो गया या स्पॉट फेसिंग हो गया, ये सारे चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी जॉब में सुराख करते हैं तो उसे ड्रिलिंग कहते हैं। ध्यान रहे कि ड्रिलिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, अर्थात स्टैंडर्ड होल बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि 8.5 का ड्रिल करना है तो आप बोलोगे कि ड्रिल मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि 8.83 का बनाना है तो आप बोलोगे कि इसका ड्रिल नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड शब्द जोड़ा है। ठीक है, तो ड्रिल का प्रयोग स्टैंडर्ड सुराख करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर दो, जिसका नाम है रीमिंग। हम सब जानते हैं कि रीमिंग का प्रयोग तब करते हैं जब हमको परिशुद्धता में होल की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि आपको 10 mm का एक रीमिंग होल की आवश्यकता है जिसमें आपको डबल पिन लगाना है, तब आपको 9.85 mm का ड्रिल होल करना है पहले, उसके बाद आपको रीमर चलाना है। रीमर के द्वारा सुराख में से कुछ मात्रा में धातु को हटाया जाता है और परिशुद्ध साइज में होल को तैयार किया जाता है। अधिकतम जो है 0.5 mm धातु हटाने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि रीमर जो है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, अर्थात इसमें जो आप ये फ्रूट्स देखेंगे तो फ्रूट्स की संख्या अधिक होती है तो कटिंग एज भी इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए। नंबर तीन के बारे में बात करते हैं, काउंटर सिंकिंग। तो दोस्तों काउंटर सिंकिंग क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रिल का प्रयोग सुराख को करने के लिए करते हैं। देखिए, ये एक जॉब है इस प्रकार से, यदि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के आर पार सुराख कर दिया तो ये तो चलिए ड्रिलिंग हो गया। लेकिन यदि आपको इसकी कुछ गहराई तक के बेबल करना है, अर्थात टेपर में यहाँ इस प्रकार से धातु को हटाना है ताकि आप काउंटर सिंक स्क्रू को यहाँ लगा पाए या काउंटर सिंक रिवेट को लगा सके, तो दोस्तों इस प्रकार से हेड बनाने के लिए आपको काउंटर सिंक टूल का प्रयोग करना पड़ता है। काउंटर सिंक टूल भी एक प्रकार के कॉनिकल टूल होता है। देखिए, इस प्रकार से होता है और इसका प्रयोग करके हम अलग अलग एंगल से इस जो हेड है वो प्राप्त कर सकते हैं। काउंटर सिंक स्क्रू लगाने के लिए या चैम्फर लगाने के लिए इस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको 75 डिग्री बनाना है या 90 डिग्री या 120 डिग्री में चैम्फर लगाना है तो इसका प्रयोग करते हैं काउंटर सिंकिंग का। ओके, अब आप बात करते हैं नंबर चार, जिसका नाम है काउंटर बोरिंग। तो दोस्तों काउंटर बोरिंग मतलब होता है, जैसे यहाँ पर आपने होल को बेवल बनाया था, यहाँ आपको बेवल नहीं बनाना है, आपको होल के कुछ गहराई तक के बड़ा कर देना है इस प्रकार से। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा करने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एलन हेड बोल्ट को जब लगाना होता है तब हम इस प्रकार से काउंटर बोर करते हैं ताकि हेड जो है वो उसके नीचे बैठ जाए, क्योंकि उसके ऊपर हमको कोई और पार्ट्स भी लगाना होता है। खास करके मशीन बॉडी में इस प्रकार के असेंबली आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेथ मशीन के बेड हो गया या मिलिंग मशीन का बेड हो गया या तरह तरह की मशीन की जो बॉडी में असेंबली होता है वहाँ पर इसका बड़ा ही प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्पॉट फेसिंग। देखिए दोस्तों, ड्रिल मशीन के स्पैंडल आपने देखे होंगे कि इस प्रकार से स्पैंडल होता है और नीचे से इस प्रकार से होता है, अंदर खोखला भी होता है जिसके अंदर टेपर भी होता है, मोस्ट टेपर, ये आप जानते होंगे ना दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से थ्रो एक स्लॉट बना होता है। तो ये जो स्लॉट होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टूल लगाना होता है इस प्रकार से, यहाँ से लेकर यहाँ तक के होल के अंदर से डालना होता है। देखिए, यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से भी देखिए तो ये टूल डालने के बाद क्या, इसको यहाँ लॉक कर देते हैं टेपर वेज लगा के, और ये जो टूल आप देख रहे हैं ये स्पॉट फेसिंग का काम करता है। अर्थात जब आप ड्रिलिंग कर लेते हैं उसके बाद जो बर वगैरह होता है ऊपर से, उसको हटाने के लिए स्पॉट फेसिंग करते हैं। और इसका यदि यूज करेंगे तो देखिए, ये एक बड़ा सा सरफेस को एक छिल देता है कुछ दूरी तक। तो क्या होता है, जब आपको बोल्ट लगाना होता है तो उसके नीचे वॉशर डालने का भी काम आता है। स्पॉट फेसिंग से हम ऐसा सरफेस बना सकते हैं ताकि बोल्ट के हेड को थोड़ा सा स्थान मिल जाए। तो ये आप समझ गए होंगे स्पॉट फेसिंग। चित्र में एक बार और देख लीजिए, ये स्पॉट फेसिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है टैपिंग। तो दोस्तों टैपिंग आप सबने सुने होंगे, टैपिंग एक कॉमन
ऑपरेशन है, जैसे कि आपको थ्रेड बनाना है तो टैपिंग करेंगे। टैपिंग टैप से किया जाता है। टैप के बारे में आपने सुने होंगे कि टैप जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। इसके बारे में, टैप के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो टैपिंग का प्रयोग हम थ्रेड बनाने के लिए करते हैं, ये आप समझ गए होंगे, इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब अजय आपने टैप को नहीं देखा है तो देखिए इस प्रकार से टैप होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 7, जिसका नाम है ट्रेपनिंग। दोस्तों ट्रेपनिंग मतलब होता है कि यदि आपको पतले पतले शीट में से वॉशर काटना है तब आप ट्रेपनिंग करेंगे। ट्रेपनिंग क्या होता है कि सिर्फ पतले शीटों में ही किया जाता है। मान लीजिए आपके पास जो भोलेनाथ का त्रिशूल है, वो एक त्रिशूल है, तो त्रिशूल को यदि आप सेंटर में रख कर तो घुमा देंगे तो क्या होगा, त्रिशूल के जो दोनों मुड़ा हुआ हिस्सा है उससे वो जो एक सर्कल बनाएगा वो एक वॉशर काटेगी। ठीक है ना, कटेगा कि नहीं। तो दोस्तों यही इसका काम है। देखिए ये इसका मशीन का स्पैंडल है और मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से खालो भी है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टूल लगाना है, इस प्रकार से टूल लगाना है। देखिए इस प्रकार से ये इसमें धार होगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो होता क्या है दोस्तों, आपको पता है कि पतले पतले शीटों में ड्रिलिंग नहीं किया जा सकता, ड्रिल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, तब आपको ट्रेपनिंग करना होता है होल करने के लिए। क्योंकि शीट में जैसे आपने स्क्राइबर से यदि किसी पतले शीट के ऊपर 10 बार खींचेंगे तो क्या होगा, शीट वहाँ से कट जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी इसी प्रकार से काम करता है। इसमें नोक होता है यहाँ, तो क्या करते हैं जब स्पैंडल के साथ इसको घुमा देते हैं, ये कुछ एडजस्टेबल वाला भी होता है, जैसे ट्रेवल होता है ना, जैसे ट्रमल होता है ना, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है। तो जब इसको किसी शीट के ऊपर घुमा देते हैं तो ये एक बड़ा सा या छोटा आकार के वॉशर भी काट सकते हैं, तो इसे ट्रेपनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। अच्छा इस ट्रेपनिंग को देखिए, ये टूल इस प्रकार से होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं बोरिंग। तो दोस्तों बोरिंग क्या है, जैसे कि आपने पढ़े है कि काउंटर बोरिंग जो होता है वो होल की कुछ गहराई तक के बड़ा करने की प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों बोरिंग प्रक्रिया में होल की पूरी गहराई तक के बड़ा किया जाता है, तो किसी सुराख को बड़ा करने की प्रक्रिया को ही बोरिंग कहते हैं। वो बोरिंग टूल से किया जा सकता है, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से होल को आर पार बड़ा करना बोरिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 9, जिसका नाम है होनिंग। दोस्तों ड्रिल मशीन के द्वारा होनिंग भी किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि होनिंग हो या लेपिंग हो, इस प्रकार की क्रिया को हम तब करते हैं जब किसी सिलेंड्रिकल सतह में बहुत अच्छी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों होनिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम किसी सिलेंड्रिकल हालो हिस्से में, खोखले भाग में अधिक परिशुद्धता में शुद्धता की आवश्यकता हो तब हम होनिंग करते हैं। होनिंग को होन स्टिक के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस सारे ऑपरेशन को ड्रिल मशीन में करते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ को आपको समझ में आया होगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपके हर कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। और यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है तो आपके दोस्तों के व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट्स करिए। और इस प्रकार से ढेरों वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।